वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड यू आर वाचिंग योर चैनल रंजना। गाइस, पिगमेंटेशन के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। पिगमेंटेशन सीरीज में ये आज थर्ड वीडियो है। मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की है रिलेटेड टू पिगमेंटेशन, जैसे कि पिगमेंटेशन फेशियल, पिगमेंटेशन स्क्रब, पिगमेंटेशन फेस पैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस पिगमेंटेशन का टोनर। जी हाँ, अगर आपको पिगमेंटेशन है गाइस तो आपको अपनी स्किन केयर में बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अपने चेहरे पर जो यूज करना है वो सब रिलेटेड टू पिगमेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए गाइस मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है। आज उसी श्रेणी में एक एडिशन होने वाला है जो कि है गाइस पिगमेंटेशन के लिए टोनर। ये जो टोनर है गाइस ये 100% नेचुरल है, बट इसका जो रिजल्ट है वो आपको 20-25 डेज में आपको अपनी स्किन पे दिख जाएगा। पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए गाइस खत्म नहीं किया जा सकता है, बट हाँ इसको इतना ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है कि ये नॉन रिकग्निजेबल हो, बिल्कुल भी गाइस ये नहीं जाएगा आपकी स्किन पे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी स्किन टोटली कहते हैं ओरिजिनल जैसा कि पहले थी वैसे हो जाए, बट हाँ ये फेड जरूर हो जाता है। और नेचुरल जो रेमेडीज होती है गाइस वो इनका बेस्ट सोल्यूशन होती है, क्योंकि जो नेचुरल रेमेडी से रिजल्ट होता है वो स्टे करता है कंपेरिजन टू केमिकल ट्रीटमेंट। तो आज गाइस मैं आपके लिए लाई हूँ एक नेचुरल टोनर। अगर आपकी स्किन पे ये सारी प्रॉब्लम है, नॉट ओनली पिगमेंटेशन गाइस, किसी भी तरह के स्कार्स हैं, जैसे कि वो एक्ने के स्कार्स हैं, या गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को और किसी चीज से भी स्कार्स आ जाते हैं, कट वगैरह के निशान भी होते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा है, कट मतलब कोई घाव का निशान नहीं भरेगा इससे, बट हाँ कोई भी किसी भी तरह का एक्युमुलेशन या अनइवननेस है, तो ये जो टोनर है वो उस पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है गाइस, तो नाउ फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले जो भी व्यूअर आज मेरे चैनल पे न्यू है उनसे मेरी बहुत 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 मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज 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 सपोर्ट मी हियर। और हाँ, माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वोमिनिट, तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि शॉपिंग हॉल, मेकअप वीडियो, बहुत सारे डीआईवाई, और साथ ही साथ गाइस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू भी। तो यहाँ पे मिलती है आपको एक जेन्युइन सलाह, बचते हैं आपके ढेर सारे पैसे भी, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करती हूँ। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी फैमिली रंजना ओरा का हिस्सा बन जाइए। एक और बात गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच मुझे दोबारा देखने के लिए। अब जस्ट बगल में आता है गाइस नोटिफिकेशन बटन, उसको भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि आपसे मेरी अब फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो। नाउ गाइस फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पिगमेंटेशन के लिए टोनर आपको घर पर नेचुरल इंग्रेडिएंट से कैसे बनाना है। सो गाइस आज की डेट में हम सभी अपने स्किन केयर में टोनर को जरूर शामिल करते हैं, बट गाइस अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो बस उस टोनर को आपको रिप्लेस करना है पिगमेंटेशन टोनर से। ये पिगमेंटेशन टोनर बनाने के लिए आपको चाहिए गाइस पोटैटो। जी हाँ, आपको मैंने बहुत पहले भी ये चीज बताई है गाइस कि अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है तो आप पोटैटो को भर भर के यूज करना शुरू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में जो मैं नेचुरल टोनर आपको बनाना बता रही हूँ उसके लिए आपको चाहिए पोटैटो। उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, पील ऑफ कीजिए। पील ऑफ करने के बाद गाइस उसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए और उसका एक बहुत ही ज्यादा प्योर जूस निकाल के रख लीजिए। गाइस ध्यान दीजिएगा कि ये चीज आप अपनी स्किन पे यूज करने वाले हैं, तो जो भी बर्तन वगैरह यूज कीजिएगा ना वो नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोटैटो का जूस निकाल लेना है। नाउ गाइस सबसे ज्यादा पॉपुलर जो टोनर है वो है हमारा गुलाब जल। हम सभी गुलाब जल अपनी स्किन पर यूज करते हैं एज अ टोनर। तो आपको क्या करना है, पोटैटो का ये जो जूस है उसको आपको लेना है एंड साथ ही साथ गाइस आपको लेना है गुलाब जल। जी हाँ गाइस, बस ये दो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए इस टोनर को बनाने के लिए। इस टोनर को गाइस बनाने के लिए आपको 50-50 का रेशियो रखना है। अच्छे से गाइस मिक्स कर दीजिए। ये एक नेचुरल टोनर है, जब भी आपको यूज करना है तो इसको अच्छे से शेक करना है, अच्छे से मिक्स करके ही गाइस इसको रखना है। एक आपको स्प्रे बॉटल चाहिए होगा गाइस, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसको किसी नीट एंड क्लीन जार में भी रख सकते हैं एंड कॉटन पैड को डिप करके अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस इस टोनर का एप्लीकेशन आपको दिन में 3-4 बार करना है, आते जाते कभी भी गाइस अपने चेहरे पर रखिए, थोड़ी देर अपने चेहरे पर इसको रखिए और उसके बाद वाइप ऑफ कर लीजिए। बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा सा वाइप ऑफ नहीं करना है, ऐसा करिए कि ये आपके चेहरे पर जितना भी ओवर चीज है वो हट जाए और थोड़ा बहुत वो आपकी स्किन पर रहे। ऐसा आपको दिन में 3-4 बार करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। आई अश्योर यू गाइस कि ये 20-25 डेज में आपके पिगमेंटेशन को फेड जरूर कर देगा अगर आप कॉन्टिन्यूसली इसको करते हैं। आपको चेंजेस दिख जाएंगे
एंड गाइस जब तक आपको आपका डिजायर रिजल्ट ना मिले इसको कंटिन्यू रखिएगा। बस ये जो आपका गाइस टोनर मैंने आपको बताया है, बस उसकी इसकी एक लिमिटेशन है गाइस, वो ये है कि क्योंकि गाइस जो हमारा पोटैटो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो गाइस नेचर में आने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो ब्लैक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस टोनर को आपको बना के फ्रिज में रखना है एंड इसको एक ही दिन के लिए बनाना है। रोज बनाइए, जैसे हम गाइस कुकिंग में रोज खाना पकाते हैं और खाते हैं, एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है। एंड गाइस आलू तो एक ऐसी चीज है जिसको हम डेली यूज करते ही करते हैं, तो आपको हमेशा गाइस एक मीडियम साइज का पोटैटो या बड़े साइज का अगर आप सब्जी के लिए यूज कर रहे हैं तो हाफ पोटैटो अपनी स्किन केयर के लिए रख लीजिए। और इसको अच्छे से ग्राइंड करके सिंपल गाइस आपको इसको गुलाब जल के साथ मिक्स करना है, नथिंग एल्स। एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए, रोज मॉर्निंग में गाइस फ्रिज में इसको बना के रख लीजिए एंड दिन में जब भी आपको फ्री टाइम मिले, ये काफी ज्यादा सूदिंग एंड रिलैक्सिंग भी लगेगा गाइस। जब भी आपको थकान लगे आप अपने चेहरे पर अच्छे से स्प्रे कर लीजिए एंड थोड़ी देर ऐसे आंख बंद करके छोड़ दीजिए। एंड गाइस उसके बाद आपको देख लगेगा कि आपके चेहरे पे ना, जैसे एक होता है ना कि हम लोग फेस वॉश करते हैं तो हमको बड़ा रिफ्रेशमेंट लगता है, एग्जैक्टली आपको इसके बाद में वैसा ही लगेगा। सिर्फ और सिर्फ गाइस इसकी बस एक लिमिटेशन मुझे वही लगती है, क्योंकि ये नेचुरल है गाइस और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए आपको इस डेली बनाना है। बट गाइस अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है और आप अपने स्किन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं तो ये इजिएस्ट वे मैंने बताया है। स्क्रब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं गाइस फेशियल तक बता चुकी हूँ कि पिगमेंटेशन वाले लोग अपनी स्किन पे कौन सा फेशियल करें। डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मैं गाइस पिगमेंटेशन या स्किन केयर की लिस्ट भी दे दूंगी, सो दैट आप वहां से भी देख सकते हैं कि मैंने पिगमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या आपके साथ शेयर किया हुआ है। गाइस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, प्लीज सपोर्ट मी हियर। मैं रंजना आपसे करती हूँ बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू गाइस, टेक केयर।